एक बार उनका तो खुल गया जो गेट था, लेकिन राजेंद्र की साइड का पूरा जो था वो पिचक गया। पढ़ाई के प्रति इतना जुनूनी था कि उसके अलावा कोई चीज नहीं थी, वो समाज की सेवा के लिए ही उन्होंने ये प्रोफेशन उसने चूज किया था। हमारे गांव और आसपास के एरिया में एक युवा प्रतिभा थी। न्यूज नेगेटिव है लेकिन जाननी जरूरी है। राम राम साहब, थर साथ अरुण थे, देख रहा हो झलको सीकर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खंडेला उपखंड के गोविंदपुरा ग्राम पंचायत के मायने। राजेंद्र जी गुजर जो कि कोटा के मायने बाकी ड्यूटी ही, और कोटा और चित्तौड़गढ़ हाईवे पर आपके साथी DYSP अंजलि सिंह के साथ के मायने कार के माय जा रहा है और कार को एक्सीडेंट हुआ है, और भी एक्सीडेंट के मायने राजेंद्र जी की मौत है, बाउजा है, साथ में जो अंजलि जी हैं वे घायल हो जाए हैं। अभी फिलहाल मैं बाकी परिवार के साथ मौजूद हूँ, बातचीत अब हम आप कर पाई कोशिश करांगा। वीडियो थन शेयर कर रो है और आपा भगवान से प्रार्थना करांगा कि दिवंगत आत्मा ने आपके श्री चरणा में जगह दे, साथ में ही ऐं की परिस्थिति ने संभलवा के लिए परिवार ने हिम्मत दे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। राम राम जी। के नाम है साहब? मंगलचंद। मंगल जी के लागू थे? ताऊ जी का लड़का। सब पहले था नहीं पता लगे है के हो जी टाइम को वाक्य कौन तन फोन करे है? मेरे को किसी उनके दोस्त ने फोन किया था जो अपने DYSP लगे हुए नीम का थाना अनुज टाल, उनका कॉल आई थी मेरे पास लगभग 8:45। उन्होंने कहा कि आप राजेंद्र के भैया बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ भाई साहब। तो के आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं सर ड्यूटी पे हूँ। तो क्या आप राजेंद्र का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत कोटा पहुँचा? मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही। बोला आप पहुँचो एक बार। मैंने कहा सर आप कहाँ हो? तो बोला मैं तो निमका थाना हूँ, लेकिन मैं उनके साथी के नंबर दे रहा हूँ आपको जो उनके पास मौजूद है। उन्होंने कॉल पे बात करी तो उन्होंने कहा राजेंद्र की स्थिति खराब है, आप तुरंत आ जाओ। लेकिन मैंने पता कर लिया था सर, मेरे साथी वहाँ मेडिकल कॉलेज में लगे हुए हैं, उनको भेज के पता किया तो मेरे को स्थिति स्पष्ट हो गई थी। उसे आखिरी बार कद बात हुई? 13 मार्च को ही गया था सर घर से, लास्ट टाइम गया था, सबसे मिल के गया था। फ़ोन कॉल वगैरह पर भी बातचीत? फ़ोन कॉल पे 10 दिन में तो बात नहीं हुई, लेकिन 13 तारीख को मिल के गया था। की कह रहा था जी टाइम मिलेगी? वो तो गया था तब, मैंने ऐसे कुछ पारिवारिक मामलों में बातचीत करी थी, शादी वादी के लिए बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि भैया आप थोड़े दिन और रुक जाओ, 6-1 महीने बाद में देख लेना आप लोग जो चाहो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे देख। अनमेरिडा? हाँ बिल्कुल अनमेरिडा। की उम्र ही? 27 ईयर। और भी कुछ की कहता है जी टाइम पढ़ाई वगैरह को जो बस उनका मेन मोटिव ही पढ़ाई था सर, और कुछ नहीं। शादी वादी का उनको वो नाम ही अच्छा नहीं लगता था, शादी के नाम से तो उनको वैसे वो लगता था कि नहीं, बाद में कर देना आराम से, बहुत टाइम पढ़ा भी, बच्चों को पूरे दिन मोटिवेट करना, क्रिकेट खेलना, मतलब उसका मेन मोटिव ये पढ़ाई था सर, बहुत आगे तक जाना था उसका मेन सपना IAS था। राजेंद्र जी का जो सगा भाई हैं बेबी अपने साथ मौजूद हैं, के नाम है? नरेंद्र। बड़ा भाई होता है? हाँ सर से बड़ा भाई नहीं छू, मेरे से छोटो एक और से भी से छोटो राजेंद्र छू। तन कद पतो लगे वाक्य वो? मेरे पास भी 9:45 फ़ोन आया था एक राजेंद्र के दोस्त का ही कि आप भैया बोल रहे हैं ना उनका एक एक्सीडेंट हो गया है, वो ICU में है अभी, और आप फटाफट पहुँच जाओ। तो मैं तुरंत वहाँ से फिर रवाना हो गया कोटा के लिए। उसके बाद 10-1 बजे मेरे को ड्राइव करते करते पता लगा कुछ न्यूज़ पे और वैसे, उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई, फिर साथ में जो थे उनको मैंने गाड़ी दे दी और मेरी हालत वहीं से ख़राब हो गई थी। 4 घंटा की ड्राइव मेरी निकली ना बाब सर, सुबह बेकार ड्राइव थी जिंदगी की, क्या कि मेरे साथ वो जो है तो वो बेगू से आ रहे थे अपने एक साथी के साथ ही कोटा के लिए निकले थे, और वहाँ टोल प्लाजा के पास कोटा के पास उनका जो गाड़ी थी वो बीच में से निकाल रहे थे दो व्हीकल के, तो एक बार पीछे से उनका टच हुआ, फिर आगे से टच हुआ तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई, फिर वो डिवाइडर से टकरा के डिवाइडर के दूसरी तरफ रॉन्ग साइड में चली गई, और सामने से एक जो आ रहा था ट्रेलर ब्रेक उसका भी नहीं लगा क्योंकि अचानक उसके सामने गाड़ी आ गई पलट के रॉन्ग साइड से, तो वो फिर उसको घसीटते हुए ले गया 40 फीट तक, और उसके बाद वहाँ मौजूद जो भी थे उन लोगों ने गाड़ी को देखा जो उनके साथी थी। एक बार उनका तो खुल गया जो गेट था, लेकिन राजेंद्र की साइड का पूरा जो था वो पिचक गया, चपेट में आ गया पूरी तरह से, वो भी के चपेट में वो ही आया, और खुलवा की स्थिति में ही गुनी।
ड्राइव को अंजलि जी कर रहा है? ड्राइव अंजलि जी कर रहा है और वो बैठे हो साइड में। उसको शुरू से ही पढ़ने का इतना लगाव था हर चीज़, मतलब उसने जब हम जयपुर में साथ रहते थे तो उसने किताबों का इतना स्टॉक रखा था कि कम से कम 2 अलमारी उसने पूरी किताबों की, अलग अलग तरह के नोवेल, अलग अलग तरह के नोट्स, ऐसी कोई शायद UPSC या RAS की एग्ज़ाम की कोई बुक नहीं होगी जो उसके पास में नहीं होगी। उसने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे पूरे, मैं और वो साथ तैयारी करते थे। तो मैं जैसे लाइब्रेरी जाना होता था तो वो, मैं 8 बजे जाता था तैयार होकर, 8 बजे लाइब्रेरी जाता था, वो 5 बजे तैयार होकर निकल जाता था और उसका शेड्यूल फिक्स था कि जाना है तो जाना ही है, दूसरी चीज़ें उसके लिए छोड़ देता था। जिस उद्देश्य के लिए उसने पढ़ाई करी थी शायद ईश्वर ने उसको वो मौका नहीं दिया कि उस उद्देश्य को पूरा कर सके। उनसे एक बार बात हुई कि ऐसे पुलिस की जॉब में ऐसा क्या है कि जिससे कुछ अच्छा समाज में कर सको, तो वो बताते थे कि पुलिस की वर्दी में अगर आप किसी के लिए अच्छा करना चाहो तो आपके पास में ढेरों उपाय हैं, और किसी का बुरा करना चाहो तो भी ढेरों उपाय हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी का अच्छा करना चाहते हो या बुरा करना चाहते हो। समाज की सेवा के लिए ही उन्होंने ये प्रोफेशन उसने चूज़ किया था। 2 साल से ट्रेनिंग चल रही थी, वो पूरी हुई और अभी 13 तारीख को उन्होंने कोटा में RAC बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर ज्वाइन किया था। नहीं, स्थिति के मायने सरकार से क्या करना चाहोगे थे? सरकार से तो कुछ नहीं कहेंगे, बस उसको सम्मान मिलना चाहिए, वो दे बस उसके लिए कहेंगे, बाकी तो सरकार से हम क्या ही उम्मीद। हमने तो अपना जो डायमंड था वो तो शायद खो दिया। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? शीश राम, उप प्रधान पंचायत समिति खंडेला। शीश राम जी, राजेंद्र जी थे भी मिले रहो? हाँ, मिले हुए हैं, हमारे गांव का ही युवा थे, अच्छे मिलनसार व्यक्ति। तो यहाँ से ही प्राइमरी एजुकेशन गांव से ही की थी, गांव से निकल के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। 3 साल पहले ही जब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होकर आए तो हमने यहाँ राजेंद्र का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था, मान सम्मान किया था। ईश्वर की नियत थी कि वो ज़्यादा दिन तक हमारे बीच में नहीं रह सके, इसके लिए तो कोई कर कुछ भी कर नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे गांव और आसपास के एरिया ने एक युवा प्रतिभा थी जिससे अन्य युवा भी प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको मानते थे, तो वो हमने खो दिया है। उसके लिए वो एक अपूर्णीय परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव आसपास के लोगों के लिए, मतलब क्षेत्र के लिए एक अपूर्णीय स्थिति है। परिवार में अन्य भी, उनके 2 बड़े भाई हैं, वो भी जॉब में हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहला एक जो प्रशासनिक अधिकारी छोटी सी उम्र के अंदर गाँव से निकल करके प्रशासनिक सेवा में जो गया था, और आगे भी राजेंद्र कुमार से सभी लोगों को, यहाँ के आसपास के लोगों को उम्मीद थी कि वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा। अब तो केवल ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जहाँ भी हैं ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवारजनों को भी यही ढांढस बंधाए, इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे, यही कर सकते हैं इस टाइम पर। रतनलाल जी, यही संकट का मायने किस तरह से समाज है परिवार के साथ सहयोग कर सके? समाज वाला तो सिर्फ विश्वास बंधा सकें जी, भी जो कोई हीरो गई हो ना, बी की तो पूर्ति को नहीं हो सके, जगह युवा के लिए आदर्श हो, युवा भी सोच वाला आगे जाएगी, आज राजेंद्र कुछ बने तो आप भी बना, बिन देख रही गाँव का युवा खूब बहुत कुछ आगे बढ़ता। कसुक की व्यवहार हो वो युवाओं के प्रति, बूढ़ा के प्रति या बुजुर्गों के प्रति, मान लिया व्यवहार तो भी एकदम सरल और सबसे बढ़िया हो कि बच्चा उससे मिलता ना, तो भी आई कहते कि क्रिकेट खेलवा जाते मेरी दुकान का नौकर, तो आप बोलते कि पढ़ाई में जाना को, अगर कुछ आगे बढ़ना है तो पढ़ाई के अलावा कुछ ही को नहीं है। बिल्कुल, परिवारों से आप बातचीत करी भी आधार पर थारों के मन में थे, मन कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करूँगा, और आसपास की खबर हम अपडेट ट्रेंड के लिए बने रहो। चल को सीकर के साथ। राम राम।